कि आप भी एक क्रेटा के ऊपर जाने वाले हो तो रुक जाए, क्योंकि आपको नेक्सॉन भी काफ़ी अच्छी वैल्यू हो दे सकती है, क्योंकि हम इसका क्रिएटिव एस प्लस वेरिएंट देखें तो इसकी प्राइसिंग और क्रेटा की एस वेरिएंट की प्राइसिंग को काफ़ी ज़्यादा क्लैश कर दी। आपको देखिए अगर डिफरेंस 60,000 रुपये डिफरेंस हो अपने को नेक्सॉन और क्रेटा के अंदर मिल जाते हैं। हम क्रेटा देखिए थोड़ी सी महंगी चली जाती है, बट इसके अंदर हम देखें तो पावर ज़्यादा मिलती है अपने को, 170 Nm का टॉर्क मिलता है जो अपने को क्रेटा से भी ज़्यादा मिलता है। तो आपको भाई इसके अंदर ज़्यादा पावर मिलेगी और मेन थिंग भाई ज़्यादा सेफ्टी मिलेगी। ये तो वीडियो एंड तक देखो कैसे आपको ये वैल्यू अच्छी खासी मिलने वाली, तो एंड तक देखिए क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्या करें भाई, फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड लुकिंग फ्रॉम द फ्रंट तो यहाँ पे अपने को भाई DRLs मिल जाती है, नीचे अपने को भाई LED प्रोजेक्टर हेडलाइट, और नीचे यहाँ पे अपने को इस वेरिएंट में प्रॉब्लम नहीं उपलब्ध होता, और यहाँ पे अपने को एयर कटर उपलब्ध होता है। और ऐसे भाई मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बता दूँ कि यार जो अपने को लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव की चल रहा है, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा भाई आपका कोई भी प्लान हो मालदीव के ऊपर बन रहा है तो उसे तुरंत ही कैंसिल कर दो भाई। आप अपने देश से आगे कुछ भी चीज़ नहीं आती, भले वो मतलब सेलिब्रिटी हो या कोई भी हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपना देश प्रेम को सबसे पहले रखना चाहिए। और इसके हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, और जैसे कि मैंने बताया अब 118 BHP की पावर, 170 Nm का टॉर्क उपलब्ध हो जाता है। और फ्रंट से देखते तो काफ़ी बेहतरीन एक फ्यूचरिस्टिक सा लुक है निकल का। तो क्रेटा के हम देखें तो बहुत मतलब एक नया फेसलिप आने वाला है, बट इसके हम देखें तो एकदम इंटरेस्टेड वो बन चुका है। पर इसके हम ओवर लुक देखें तो काफ़ी अच्छी, और एक कह ना कि डायमेंशन था कह सकते कि थोड़ी सी छोटी, बट एक्चुअल में ना ये गाड़ी आपको अच्छी खासी पावर दे देती है। आपको 16 इंच के दोनों में अपने को क्रेटा और नेक्सॉन दोनों में सेम ही इसके टायर आते हैं। आपको फ्रंट और रियर में दोनों तरफ अपने को डिस्क ब्रेक मिल जाती है। हम इसके प्रॉपर सेक्शन की बात करें तो 215/16 आर 16 इंच के यहाँ पे अपने को टायर उपलब्ध हो जाएगा। साइड में देखते हो यहाँ पे अपने को पहले क्या था कि बॉडी कलर में यहाँ पे अपने को स्लिट पिट नहीं मिलती, बट अब यहाँ पे अपने को बॉडी कलर में स्लिट पिट मिल जाती है। और यहाँ पे ओआर में हम देखें तो आपको इलेक्ट्रिक वे में इसे एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पर भी अपने को 360 व्यू का कैमरा प्लेस किया जाता है, और आपको ब्लैक कलर में भाई अपने को ओआर में मिल जाए। तो इस कलर की बात करें तो उस क्रिएटिव ओशन इसका नाम हो रखा गया। हम क्रिएटिव वेरिएंट देखें वहाँ पे अपने को जो एक हीरो कलर जो है वो ये निकल के आता है। एंड ऊपर देखे तो यहाँ पे अपने को SS को जो रूफ फिल्स मिल जाता है, यहाँ पे अपने को फाइबर की रूफ फिल्स आती है, और यहाँ पे अपने 60 या 3 है वो अपने को ब्लैक कलर में मिल जाएगी। आपको 44 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, एक फ्यूचरिस्टिक जैसा लुक तो मिलता है जैसे मैंने बहुत बार बता रहा हूँ ये वीडियो में, बट एक स्लिक एक एलिगेंट सा लुक भी वो अच्छा निकलता है। एंड यहाँ पे हम देखो रेक्सॉन की बैजिंग के ऊपर यहाँ पे टाइप कर लोग, यहाँ पे अपने 360 व्यू का कैमरा की प्लेसिंग बुक की जाती है, और यहाँ पे नीचे की तरफ इसको बूट ओपने के लिए यहाँ पे अपने को बटन उपलब्ध हो जाएगा। और यहाँ पे अपने को जो है बूट स्पेस देखे तो 382 लीटर्स का यहाँ पे अपने को बूट स्पेस मिल जाए, और हम क्रेटा में देखते तो इससे ज़्यादा बेहतर अपने को है बूट स्पेस मिल जाए 433। ऐसा नहीं कि भाई ये मतलब मैं नेक्सॉन का वीडियो बन रहा तो सिर्फ नेक्सॉन की बड़ाई करूँगा, ऐसा नहीं। मैं भाई जिस चीज़ में भाई नेक्सॉन अच्छी होगी वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा, और नेक्सॉन ख़राब भी होगी तो वहाँ पर भी बताऊँगी हाँ भाई क्रेटा में ये चीज़ अपने को अच्छी मिलती है। एंड यहाँ पे अपने को जो है नीचे तरफ देखे अंत को स्पेयर व्हील मिलेगा, और इसकी हम साइज देखें तो ये हाँ सेम इंच का ही यहाँ पे अपने को टायर ऊपर होगा, विच इज़ ग्रेट थिंग। और साइड पे अपना कोई छोटा मोटा सामान रखना तो वो भी आप रख सकते हो। यहाँ पे देखो अपने को फिर यहाँ पे दो लगेज होल्डर मिलते हैं, फिर यहाँ पर भी अपने को दो लगेज होल्डर उपलब्ध होते हैं। यहाँ पे अपने को एक बूट लैंप हो गया, और आप आराम से भाई मेरे हिसाब से 4 लोगों का सामान आप इजीली कैरी कर सकते, बट क्रेटा में देखो थोड़ा सा बड़ा होता है तो वहाँ पे आप 5 लोगों का सामान भी इजीली हो कैरी कर सकते हैं। और बैठते अंदर तो देखो यहाँ पर भी साइड में भी देखें तो एक येलो ब्लैक कलर की फिनिशिंग में एक एलिमेंट हो एड होता है ना, तो काफ़ी अच्छा लुक है। दूर से देखो लगता है कि हाँ भाई एक एलिगेंट से टच ये चीज़ देती है। और अंदर से देखें तो पहली चीज़ तो भाई यहाँ पर कोई आर्मरेस्ट नहीं आता, फिर यहाँ पे अपने को स्पीडोमीटर भी देखते हो, आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाएगा। यहाँ पे अपने को 10 इंच की टच स्क्रीन हो गई, और ऑटोमेटिक में देखे तो इसे थोड़ा सुधारा गया है कि भाई जो पुराने नेक्सॉन आते उससे कंपेरेटिवली अच्छा है, बट अब ह्यूंडई क्रेटा में तो काफ़ी अच्छा रिफाइनमेंट वाला ट्रांसमिशन मिलता है। इन ऑटोमेटिक तो आपको ज़्यादा मतलब स्मूथनेस चाहिए तो आपको ह्यूंडई में थोड़ी अच्छी मिलती है, आपको पता ही है यार कि ह्यूंडई थोड़ी अपने रिफाइनमेंट के लिए जाना जाता है। एंड यहाँ पे अपने को ऑटोमेटिक ईसी हो गए, अपने वो पूरा टच पैनल वाला है ईसी मिलता है। फिर यहाँ पे देखें ना तो जो बाहर
क्रिएटिव ओशन कलर है उससे थोड़ा सा लाइट कलर यहाँ पे यूज़ किया गया, बट काफ़ी दिखने में अच्छे लगते हैं। वो सेम कलर अंदर यूज़ होता है तो उतना कुछ खास मतलब मसा नहीं आता, पर ये जो कलर निकल के आते काफ़ी बढ़िया लगते हैं। यहाँ पे अपने को जो ओशन कलर हो गया, फिर यहाँ पे अपने को जो है ठीक है कार्बन फाइबर की फिनिशिंग दी जाती है और ऊपर एक फिर से एक दूसरा एलिमेंट ऐड किया गया है सिल्वर कलर के, तो वो एक कहे ना इंटीरियर में आपको टच एंड फील में बहुत ज़्यादा मज़ा था कहीं पर। अपने को कोई सॉफ्ट टच मटेरियल उतने ज़्यादा यूज़ नहीं की, बट जो ओवरऑल लुक निकल गया था काफ़ी बढ़िया निकलता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि टच स्क्रीन मिलती, बट यहाँ ऊपर की तरफ जो क्वालिटी मिलती है ना भाई, ये चीज़ हुंडई नहीं दे पाता कि भाई जो क्वालिटी है, जो भाई एक स्टर्डीनेस है, वो अपने को टाटा की गाड़ी में पता है कि भाई टाटा का लोहा देश का लोहा है, तो इससे आगे तो कुछ भी नहीं चलता। फिर यहाँ पे अपने को ड्राइव मोड सिलेक्टर हो गए एंड यहाँ पे अपने को टू स्पोक टाटा का है न्यू इल्यूमिनेटेड लोगो वाला स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा। एंड ये जो स्टीयरिंग व्हील है आप जो है ऊपर नीचे एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, आप सिर्फ ऊपर नीचे ही से एडजस्ट कर सकते हो। आपको पैडल शिफ्टर्स मिलेंगे, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि यार आपको इतने प्राइसिंग में पैडल शिफ्टर मिल रहा है, तो आपको एक अच्छा भाई एक एक्सपीरियंस के ड्राइविंग में, क्योंकि आपको जैसे लगे कि भाई हाँ मुझे थोड़े से एक गियर नीचे हो जाना चाहिए था, तो एक आप डाउन कर देते थे अपना गियर डाउन हो जाएगा, आप आराम से भाई पंचर को तो आगे निकल जाओगे। ऊपर अपने को भाई संदूक आदि, हाँ अपने को क्रेटा में पैनोरामिक सनरूफ आती, बट उसके पैसे वही बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 2-3 लाख एक्स्ट्रा आपको इस चीज़ के देने पड़ते, बट यहाँ पे इतना नहीं होता, 50,000 पे आप दोगे आपको सनरूफ दी जाती है। एंड बाकी हाँ इसकी जो सीट है मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, उतनी मतलब चौड़ी नहीं है कि आपको बैठने में ज़्यादा मज़ा है, क्रेटा में देख थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी अपने को सीट मिलती, बट जो कम्फर्ट है वो भाई अनमैचेबल, एकदम आपको भाई कहे ना परफेक्ट मुझे सीट लगी। हम क्रेटा कहें तो थोड़ी सी हार्ड लगती बट एकदम परफेक्ट, और आपको एकदम बकलअप करके आपको बिठाते, आपको टर्निंग बर्निंग में आपको है होल्ड करके रखने वाले पुश स्टॉप बटन मिल जाएगा। फिर हम कहे की तरफ देखते हैं, हाँ मेन थिंग तो भाई टाटा के जो है ग्लव बॉक्स निकल कर बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे अपने को है स्पेस में तो आप आराम से भाई बहुत सारी चीज़ें रखते थे। भाई मेरा तो ये क्या ही है कि भाई यहाँ पे आप खड़ी रख के अपने कप होल्डर्स रखना चाहते तो वो ठीक है, बाकी चालू गाड़ी में तो इसका कोई सेंस होल्ड नहीं बनता। बहुत गाड़ी में बोलता हूँ कि भाई ये क्या है क्यों करते हो, बट पता नहीं अब टाटा कर रही तो कर रही है। एंड बट हाँ ये चीज़ है कि यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। अब तो पीछे बात करें पीछे हाई सपोर्ट मिल जाएगा तो आपको अच्छा कंफर्ट मिला, आप लॉन्ग ट्रिप पे ये गाड़ी लेके जाओगे तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ क्रेटा के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे नी स्पेस थोड़ा सा ज्यादा मिलता है और अंदर था सपोर्ट तो आपको कोई मतलब चेंजिंग नहीं होता। फिर यहाँ पे अपने कोई आमरेस्ट नहीं आता, दो एडजस्टेबल हेड रेस्ट आएंगे और यहाँ पे अपने सीट कवर पे देखे तो यहाँ पर भी जो बाहर कलर मिलता है वही सेम चीज यहाँ पे अटेंशन टू डिटेल ये कि भाई हाँ यहाँ पे अपने को क्रिएटिव वेरियंट का एक हीरो कलर आग चला रहे तो वो आपको फील भी जो आनी चाहिए, तो वो सारी चीजें यहाँ मिलते। फिर यहाँ पे मुझे सीट कवर पे देखे तो एक एलिमेंट वो ऐड किया जाता है जो आपने काफी का अच्छी फील वो दे देगा। एंड यहाँ पर इवेंट होकर बीच में बैठने की बात है तो देखो आपको बीच में बैठने में थोड़ी और दिक्कत तो आएगी, हम क्रेटा में तो वहाँ पे आप आराम से बीच वाला बंदा हो बैठ जाए वहाँ पे मतलब पीछे 3 लोग बैठ सकते, बट यहाँ पे आपको मतलब उतना कॉन्फिडेंटली मैं नहीं कह पाऊंगा कि भाई हाँ पीछे 3 लोग बैठ जाएंगे। आप बीच में छोटा बच्चा हो या फिर जिसकी हाइट 5 फुट 1 इंच हो तो वो आराम से यहाँ पे बैठ जाएगा। और ये आपको है वीडियो कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट बताएगा, और आपको भाई क्रेटा और इससे कंपेयर करें तो भाई मेनली तो प्राइसिंग का डिफरेंट आएगा। हम मैंने पहले ही आगे वीडियो में बताया कि एस वेरियंट और इसका हम क्रिएटिव प्लस वेरियंट देखे तो वहाँ पे 60,000 का वो फर्क आ जाता है। एंड आपको है पैनोरामिक सनरूफ मिलती है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब प्राइसिंग वो हाई देनी पड़ेगी आपको। एंड मेन थिंग कि भाई तो मैं आपको थोड़ा रेकमेंड करूँगा कि अगर आप खर्च करना चाहते हैं तो 15-16 लाख तक तो आप क्रेटा के ऊपर चले जाइए, क्योंकि अगर आप नेक्सॉन देख रहे हो तो 12-13 लाख तब तक नेक्सॉन लो तो एक अच्छी वैल्यू देगी, बट आप उससे ऊपर चले जाओ उतना कुछ कहे ना कि आप पैसे वेस्ट ही करें, क्योंकि थोड़ा क्रेटा का अलग रुतबा हो बन के आता है वो भाई एक मानने वाली बात है। आप कोई भी नेक्सॉन का टॉप एंड लेता है 17-18 लाख में,
तो वो चीज नहीं होती, बट क्रेटा लेके निकलेगा तो वो अलग ही एक टोरा बन के आ जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में देखो, ये एक हॉनेस्ट रिएक्शन है या फिर आपका है कि तो मैं अपने भाई को ही सलाह दे रहा हूँ वो चीजें, ऐसा नहीं कि भाई मैं नेक्सॉन का वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ नेक्सॉन की ही अच्छी चीजें बताऊंगा, ऐसा नहीं करता। मैंने आपको बता दिया कि भाई आप अच्छी एक वैल्यू चाहते हो तो आप क्रेटा ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पे 17-18 लाख नेक्सॉन में खर्च करके आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो अपने को क्रेटा में मिलेगी, इसलिए आप प्राइस क्रेटा ही लेनी चाहिए। बाकी आप 20 लाख के ऊपर जाओगे तो 20 लाख 25 लाख तो मैं आपको वहां पर भी रिकमेंड करूँगी आप क्रेटा का टॉप मॉडल मत लेना, आप 100 लेना या फिर स्कॉर्पियो लेना, वो आपको अच्छी वैल्यू वो दे देगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे आपको मतलब देखना है कि भाई 0 से लेके 10 लाख तक के कौन से भाई, जैसे कि 8 लाख में कौन सी बेस्ट गाड़ी है, तो मैं आपको एक ऐसा पर्टिकुलर वीडियो भी बना के दे दूंगा। तो मिलते नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय। और हाँ, टाटा की कोई सी भी गाड़ी ले इनको आप आ सकते हैं भाई, कनाडी टाटा फोटो उनकी सारी कॉन्टेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।